अगर आप भारत पे के 12% क्लब का इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसे अपडेट शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही बुरे हैं एज अ भारत पे यूजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि वो तीन बुरे अपडेट क्या है। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि भारत पे के 12% क्लब के बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं। रिसेंटली बहुत सारे लोगों के भारत पे के 12% क्लब के अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ब्लॉक हो चुकी हैं। अगर आप भारत पे के 12% क्लब में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है और वो सलूशन ये है कि आपको भारत पे के 12% क्लब के कस्टमर केयर में कॉल करना है या आप कस्टमर केयर ब्रांच में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तब यहाँ पर आपका अकाउंट वो लोग अनब्लॉक तो नहीं करेंगे, लेकिन भारत पे के 12% क्लब में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको रिडीम करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। रिसेंटली भारत पे के 12% क्लब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जहां पर आप ऑनलाइन भी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके रिक्वेस्ट को बहुत ही जल्दी प्रोसेस किया जाएगा और आपके अकाउंट में आपके फंड्स को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन भारत पे के 12% क्लब का जो अकाउंट है वो अभी भी आपका ब्लॉक ही रहेगा। अब भारत पे के 12% क्लब को लेकर दूसरी बुरी बात ये है कि इस एप्लीकेशन में जो रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम था, अगर आप भारत पे के 12% क्लब में किसी को रेफर करते तो आपको उनकी रेफरल का 10% का इनकम मिलता था। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने किसी को रेफर किया जिसने 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट किया भारत पे के 12% क्लब में, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10% की फिगर पकड़ के चलते हैं, 1 लाख के ऊपर 10% का रिटर्न, मतलब उस इन्वेस्टर को मिला होगा 10,000 रुपीज का रिटर्न एक साल में, और यहाँ पर आपका कमीशन बनकर आता है 10,000 पर 10%, मतलब आपको मिलेंगे 1,000 रुपए। लेकिन भारत पे के 12% क्लब का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था और इस अपडेट में ये कहा गया था कि 25 अप्रैल 2023 तक इसका जो रेफरल प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत पे के 12% क्लब के यूजर्स को ये ऑफर अभी भी नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आप अभी कस्टमर्स को रेफर नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने इनिशियली बहुत सारी मार्केटिंग कर ली और बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोशन करके इस ऐप को फेमस कर दिया है, तो यहाँ पर कंपनी को रेफरल प्रोग्राम रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा भारत पे के 12% क्लब में बहुत सारे लोगों को फंड्स को ऐड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फंड्स को ऐड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको भारत पे के 12% क्लब के बारे में बताया था। भारत पे का 12% क्लब जो है वो लेंडर्स के पास से पैसे लेता है, आपके पास से पैसे लेता है वो भी 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन आपके पैसे का इस्तेमाल करके भारत पे अलग अलग लोगों को लोन देता है और यहाँ पर हाई इंटरेस्ट कमाता है 18 से लेकर 23% के बीच का। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो करंट सिचुएशन के पास कंपनी के पास फंड्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और जब तक कंपनी फंड्स का इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक कंपनी जो है वो ऐड फंड्स के ऑप्शन को इनेबल नहीं करेगी। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कंपनी को फिलहाल आपके पैसे की जरूरत नहीं है, इसीलिए कंपनी ने उस ऑप्शन को बंद कर रखा है। अब भारत पे के 12% क्लब के ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनका ये कहना है कि भारत पे के 12% क्लब में ये सारी चीज होना मतलब आने वाले टाइम में भारत पे भी क्रैश कर सकता है, या भारत पे में जो इन्वेस्टमेंट की है हम लोगों ने वहां पर भी हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। देखो, इसके रिगार्डिंग में अभी तक कोई मार्केट में अपडेट आई नहीं है कि भारत पे बर्बाद हो जाएगा, भारत पे लूट जाएगा, ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मार्केट में जो भी अपडेट्स अवेलेबल थी मैंने आपको बता दी हैं, और फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आती है एज सून एज पॉसिबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को भारत पे के 12% क्लब में कंटिन्यू नहीं करना है, तब आपके सामने एक ऑप्शन है अपने फंड्स को रिडीम करने का, और यहाँ पर आप कस्टमर केयर में कॉल करके या आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इससे पहले की बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भारत पे के 12% क्लब में आपको कम से कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर आप लोगों ने ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।